अभी हमारे पास मान लीजिए एक बॉर्डर है जो हमने बनाई है या फिर इंटरनेट पे से हमने डाउनलोड की है, कुछ भी है समझ लो, ठीक है। तो इस तरह के एक बॉर्डर है, इसको हमको साड़ी के हिसाब से अभी सेट करना है हमको डिज़ाइन के अंदर। तो हम हमारे पास समझ लो साड़ी की बनी बनाई कुछ बॉडी की डिज़ाइन है, उसके अंदर बॉर्डर डालनी है, या फिर हम नया पेज लेते हैं और सबसे पहले हम बॉर्डर ही सेट करेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे। हाँ तो हम ले लेते हैं यहाँ सर, पे 30x45, ठीक है, 150 रिजोल्यूशन, क्योंकि जनरली प्रिंट की साड़ीज इसी मतलब साइज़ में हम बनाते हैं। तो ये हमने पेज ले लिया, फिर हम कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पे गाइडलाइन देंगे, ठीक है। गाइडलाइन देंगे मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारी जो बॉडी है वो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा आएगा पल्लू, ठीक है। तो इसको 200% और हम बढ़ा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पल्लू, ठीक है। तो हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ से ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे हाँ घूमेगी, और यहाँ इस पार्ट में हमारा कॉर्नर बनेगा। तो हम इस तरह से इसको बॉर्डर को सेट कर देंगे। मैंने कंट्रोल टी कर किया इसको, फिर से हमें यहाँ पे गाइडलाइन दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये 50% पार्ट है साड़ी का और ये वर्टिकली दूसरा 50% पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 60x45 का एक पेज ले लिया है, जिसको दो गाइडलाइन हमने आड़ी और खड़ी मार दी। फिर हमने जो बॉर्डर ली है मतलब उसको हमको सबसे पहले उसको रिपीट में हमारी साड़ी की सेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जैसे बॉर्डर का अगर हम रिपीट चेक करें तो यहाँ से फ्लिप हो रही है बॉर्डर, तो मैं इधर एक गाइडलाइन बना देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से तो फ्लिप हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे ये परफेक्ट गाइडलाइन हमारी इधर होनी चाहिए थी या तो इधर होनी चाहिए थी, तब हम बोल सकते कि इसको परफेक्ट वहाँ से फ्लिप हो रही है। तो हम चेक करते हैं, शायद यहाँ से हो, है ना, इधर भी एक गाइडलाइन बना के देखते हैं, इधर से भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बॉर्डर है ना, ऊपर और नीचे का रिपीट अलग अलग है, यहाँ का रिपीट कुछ अलग है, यहाँ का रिपीट कुछ अलग है। तो अभी हम ध्यान में रखते हैं जो बड़ी बॉर्डर है उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो जो बड़ी बॉर्डर है इसको मैं यहाँ पे दो मैंने जो गाइडलाइन बनाई है उसके हिसाब से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही रिपीट रहेगा हमारी बॉर्डर का। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे ऑफसेट और चेक करेंगे कि ऊपर भी उसका ऑफसेट बैठता है कि नहीं, ठीक है। ठीक सर, ये ऊपर में ऑफसेट नहीं बैठ रहा है और इधर तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि हमको इसको फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल 50 का इसको ऑफसेट दिया, मैंने इसको ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद में फिर यहाँ से है ना इतना सिलेक्शन लेंगे ऐसे, ओके, और ये इतना इतना सिलेक्शन लेने के बाद में इसको थोड़ा हम वी टूल दबाएंगे, मतलब अपने को मूव टूल लेना है और इसको थोड़ा सा इधर ऐसे सरका देना है, बस इतना। उससे क्या होगा, अभी यहाँ पे इसका रिपीट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना सिलेक्शन लेंगे वापस, ये मैंने सिलेक्शन लिया है, मैजिक वन टूल से अल्टर दबा के ये वाइट एरिया से सिलेक्शन हम निकाल देंगे और कंट्रोल टी करेंगे इसको और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इसको टच कर देंगे, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, इसका रिपीट बन चुका है, आप देख सकते हो। इसको मैं अगर ऑफसेट करूँ कंट्रोल F F F, तो ये सीमलेस बन चुका है अभी, है ना। अभी इसका रिपीट परफेक्ट आ चुका है। फिर हम इसकी कॉपी निकालेंगे और वही कॉपी यहाँ रखेंगे नीचे नीचे, ओके, अलग से नहीं बनाएंगे इधर, हमने कॉपी रख दी। फिर अभी हमको क्या करना है, -50 का इसको ऑफसेट देना है, क्योंकि यहाँ पे कट आ रहा है ना, तो -50 हम करेंगे तो पहले जैसा हो गया अभी वो। अभी हम क्या करेंगे, इसको इधर भी परफेक्ट ही आ गया अभी, मतलब यहाँ से हम इसको पलटी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर और नीचे की बॉर्डर ऑटोमेटिकली वो अच्छी दिखेगी। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करके कर लेते हैं कॉपी। फिर हम कैनवास साइज़ बढ़ाएंगे कितना, 200%, और फिर कोई भी एक साइड बढ़ा के आप दूसरी साइड में बॉर्डर पेस्ट कर देना आपको, और इसको कर देना है हॉरिजेंटल, है ना, इमेज में ट्रांसफॉर्म में हॉरिजेंटल हम इसको करेंगे तो ये अपने आप से ऐसे जुड़ जाएगी बॉर्डर। तो अभी बॉर्डर हमारी रिपीट के साथ रेडी है। साइज़ एक बार देख लेते हैं कितनी इसकी, 3.92 है, और हमारी फाइल की साइज़ आने वाली है 30, बराबर। हमको 30 बॉडी के अंदर तो परफेक्ट रिपीट चाहिए, तो हम 30 को डिवाइड करके देखते हैं, 3.92 कितना आता है, 7.65, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉर्डर 30 में परफेक्ट नहीं आने वाली, ये थोड़ी आगे पीछे आएगी 30 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर भी हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमारी साड़ी में आते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके रख दिया ऐसे।
फिर हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम बाहर इस तरह से सिलेक्शन ले लेंगे इसको, ठीक है। सिलेक्शन लेके भी आप कर सकते हो या तो कंट्रोल टी से भी कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन अगर लेके आप करोगे तो आपको ऑफसेट करना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से आपको इसको सेट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये टच हो गया बराबर, फिर आपको इसको ओके कर देना है, और आपको कर देना है कंट्रोल एफ 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 एफ, ठीक है। इतनी बार हमने एफ़ किया, और एक बार कर देते हैं, थोड़ा बॉर्डर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मैं सीधा आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ, आपको कंट्रोल टी की मदद से भी आप कर सकते हो इसको। आपको कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दबा के कॉपी निकालनी है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया और ऊपर की एरो की दबा दी मैंने, तो इसकी कॉपी निकल गई। फिर मैं खाली शिफ्ट दबा के इसको नीचे की अपनी जगह पे रख दूंगा इसको, ठीक है। मतलब इसकी एक कॉपी निकल चुकी है, अगर आप उठा के देखोगे तो एक कॉपी निकल चुकी है। फिर हम करेंगे इसको कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करने के बाद में हम इसको शिफ्ट दबा के, सॉरी हम फिर से कॉपी निकाल लेते हैं, कंट्रोल टी दबा के हम इसको शिफ्ट दबा के कॉपी को रखेंगे इसके बाजू में ऐसे, थोड़ा जूम करके टच कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी 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 कर देना है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, वो वही चीज़ होगी जो पहले हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद में अभी हमको इसको है ना साइजिंग वाइजिंग कैलकुलेटर लेके वो सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर आ रहा है इसको कंट्रोल टी करके है ना आप इस तरह से दबा दीजिए, इस तरह से दबा दिया हमने बॉर्डर इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को, पूरे बॉर्डर को पूरी बॉर्डर को, ठीक है। तो पूरी बॉर्डर हमारी 30 में भी सेट हो गई विथ रिपीट। और सर, अगर फिर ये साइज छोटा नहीं हो जाता होगा कभी, जैसे कलर थोड़ा सा हो वगैरह जाता है, ऐसा थोड़ा कुछ। सा हो जाता है, लेकिन वो सारे फिगर्स पे सारी बॉर्डर पे अप्लाई होता है ना तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं वो, है ना। जैसे देखिए ये ओरिजिनल साइज़ था, ये थोड़ा मैंने छोटा किया तो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं वो, लेकिन आप अगर छोटी सी बॉर्डर ठीक को वो कंप्रेस करोगे तो ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है मैजिक वन टूल लेना है, बाहर वाइट एरिया में सिलेक्शन लेना है मैजिक वन टूल से, फिल्टर अदर ऑफसेट, और यहाँ पे लिखना है 4500, ठीक है। 4500 क्यों लिखा हमने, ताकि ये बॉर्डर सेम इधर आ जाए। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो और कंट्रोल अल्टर शिफ्ट पकड़ के उठा के भी रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। मैं करता हूँ उसको ऑफसेट की मदद से हमेशा, आप ऐसे भी रख सकते हो, फिर आपको जूम करके देखना पड़ेगा बराबर टच हुई कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इसको ऑफसेट की मदद से हमेशा करता हूँ। 150 रिजोल्यूशन पे मेरे को पता है 4500 आता है या एक पार्ट का मतलब पिक्सल में मेजरमेंट, ठीक है। तो मैंने इधर वाइट में सिलेक्शन ले लिया, फिल्टर अदर ऑफसेट, और यहाँ पे 4500, 4500 का हम ऑफसेट दे देंगे तो बॉर्डर यहाँ पे टच हो जाएगी, मतलब परफेक्ट आ जाएगी, ओके। अब हम बॉर्डर के अंदर एक लासा डाल देते हैं, लासा मतलब वो वाला पार्ट जो बॉर्डर के बाद में आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो हम एक मान लीजिए इस कलर का एक लासा डाल देते हैं यहाँ पे, ये मैंने लासा डाल दिया, 1 या 1.5 इंच का समथिंग कुछ आप रख सकते हो, और हर डिज़ाइन में रखना ज़रूरी है क्योंकि प्रिंट के बाद इसका बहुत बेनिफिट होता है। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी कि लासा क्यों रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका कॉर्नर बनाएंगे, मेन पार्ट। अभी तो हमने बॉर्डर सेट की, अभी हमको इसको सेट करना है कॉर्नर में। तो हमको क्या करना है, पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद में यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना है इस कॉर्नर पे, परफेक्टली जूम करके आप कर सकते हो, मैंने भी बहुत ज़्यादा जूम किया है फाइल को। और फिर आप छोटा कर दीजिए फाइल को इस तरह से, तो ये आ गया ऐसे। फिर आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इसको यहाँ पे टच कर देना है हमारी बॉर्डर के बाहर कहीं भी, और फिर आपको इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है, इतना हमने पार्ट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देना है आपको, ठीक है। ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर आपको इधर से ही आपको कॉर्नर बनाना है तो आप इधर से ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि भाई फिगर भी मेरा पूरा दिखे तो आप कोई भी फिगर के सेंटर में से इसको इस तरह से है ना कॉर्नर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे ये फिगर मैंने यहाँ पे सेंटर में ले लिया, तो मैंने ये जो सिलेक्शन आ रहा है ना मेरा सीधा, ये बराबर इससे सेंटर में से जा रहा है, ठीक है। तो तो फिर मैं, ये सर सिलेक्शन ये कॉर्नर से तो फिर थोड़ा हट गया है सर ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है, उसका अच्छा बताता हूँ मैं ठीक क्या करना है। फिर हमने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम इसको कर देंगे डिलीट। आपको सीधा वो पार्ट डिलीट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद पूरी बॉर्डर उठा सकते हो या तो कुछ पार्ट उठा सकते हो आप। आपको कॉपी करना है ऐसे,
और इसको कर देना रोटेट, है ना। पहली बार में 90 डिग्री माइनस में रोटेट करना है आपको। अल्टर ई ए ज़ीरो मैंने प्रेस किया अभी, ठीक है। फिर मैं अल्टर ई ए और वर्टिकल करूँगा इसको, ठीक है। पहले हमने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने किया इसको वर्टिकल। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमको रख देना है उठा के, ये जुड़ जाएगा तो अपने आप से यहाँ पे ऐसा कॉर्नर बन जाएगा। ओके, इतना हो गया। फिर अभी हमारी बॉर्डर थोड़ी देर सरक चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से इसको उठा के हम नीचे रख देंगे, पीछे रख देंगे, है ना। बराबर ज्वाइंट हो गई इधर, और इधर जो आया है वाइटनेस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और फिल्टर अदर ऑफसेट में जाके हम इसको 45 का ऑफसेट दे देंगे, 4500 का, तो ये पूरा हो जाएगा इधर, ठीक है। इतना होने के बाद में अभी आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये लाइन के पास जो भी नज़दीक का फिगर है, जो आधा दिख रहा है ना हमको, वहाँ से हमको सिलेक्शन लेना है। जैसे कि ये वाला फिगर मुझे यहाँ से है ना, अपनी जो गाइडलाइन है उसके नज़दीक यही वाला फिगर दिख रहा है मुझे, बड़ा वाला। तो इतना मैंने सिलेक्शन लिया और इसको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद में आपको बॉर्डर, इतना पार्ट सिलेक्ट करना है बॉर्डर का ऐसे, और कंट्रोल टी करके इसको दबा देना है ऐसे, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी की कॉपी निकालनी है। कंट्रोल जे मैंने किया, ठीक है। कंट्रोल टी हमको करना है, ये पॉइंट उठा के इधर रखना है, राइट क्लिक करके इसको वर्टिकल कर देना है। तो ये हमारी बॉर्डर यहाँ पे बन गई। तो ये परफेक्ट इसके कॉर्नर भी बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एकदम परफेक्ट दिखेगा आपको, जहाँ से हमने इसको ऊपर पलटी किया है ना। सारी चीज़ें इस तरह से परफेक्टली आ चुकी है। फिर हमको सर, लेकिन जब अगर मान लीजिए दुपट्टे का है तो सर इस कॉर्नर पे भी चाहिए, तो जैसे आपने यहाँ से मिडिल से उसको किया था, ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब कट हाँ, करके सिलेक्शन कर, तो वैसे इधर से इधर आपको में कैसे फिर करें सेंटर में से सर करना है इसको भी आपको, पूरा रो? हाँ सर, ये नहीं हो गया। जैसे इधर इस साइड में बॉर्डर लगाना। अच्छा सर, इसी की कॉपी उठा के इधर कर देंगे हाँ, इधर की कॉपी उठाना है अपने को, राइट क्लिक करके तो इधर, सर बीच में सर बराबर आया होगा सर, थोड़ा सा परफेक्ट जूम करिए। परफेक्ट परफेक्ट आता है, देखो जूम करके, है ना। ठीक है, आया ना, एक पिक्सल भी इधर उधर नहीं है कहीं पे, कोई मतलब वाइटनेस नहीं इधर है से कुछ। कॉपी उठा के उधर डाल देनी है बस। हाँ, इधर से कॉपी उठा के उसको फ्लिप करके उधर डाल देनी है, बस इतना ठीक आपको करना है। तो इस तरह से आप ये बॉर्डर की कॉपी निकाल सकते हो, ठीक है, और मतलब कॉर्नर बना सकते हो। फिर हम वापस से यहाँ पे गाइडलाइन लेके आते हैं। फिर मान लो आपको यहाँ पे बॉर्डर रखनी है, ठीक है, फिर आप कैसे रखोगे। अभी ऐसे तो उठा के आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इधर गड़बड़ हो जाती है ना, ऐसे नहीं रख पाओगे उठा के। और ये वाली बॉर्डर भी आप उठा के चाहो तो रख सकते हो, बट ये परफेक्ट आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका ये जो कोई फिगर हो ऊपर नीचे हो जाए। जैसे ये गाइडलाइन के भी ऊपर आ रहा है ना थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, मतलब मेरा तरीका मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे वाइट एरिया में सिलेक्शन ले लेते हैं ऐसे, और कंट्रोल अल्टर शिफ्ट वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जहाँ चाहिए वहाँ ऐसे बॉर्डर रख सकते हो। फिर ये जो पैच है, इसको आप चाहो तो ऐसे कंटिन्यू करो, है ना, या फिर डायरेक्ट भर दो आप यहाँ पे, क्योंकि पल्लू इस तरह से ही आता है, जो कलमकारी की वगैरह साड़ी आती है तो पल्लू ऐसा रहता है, इसके ऊपर कुछ मोटिफ रहते हैं, तो इस तरह से हम बॉक्स पल्लू बनाते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको दूसरी भी बॉर्डर रखनी है तो आपको ऐसे पैच में सिलेक्शन लेना है, और इस तरह से इसकी कॉपी उठा उठा के आप कितनी जगह पे भी रख सकते हो। तो इस तरह से हम बॉक्स पल्लू बनाते हैं विथ कॉर्नर। सर मान लीजिए आप सिंगल जैसे बॉर्डर है उसी को रख रहे हैं, मान लीजिए दो बॉर्डर हुआ और बीच में जैसे ये पल्लू में फिल करना है, तो उस मान लीजिए ये बॉर्डर को ऐसे हर जगह मैच हो जा रहा है, लेकिन उसके इसके अंदर मान लीजिए एक और बॉर्डर, इसके ऊपर एक बॉर्डर और है, तो उसको भी सर करना होगा, तो कैसे करेंगे साथ साथ में ऐसे फिल आंचल में पल्लू में? मतलब दो बॉर्डर है यहाँ पे इधर, मान लीजिए एक बड़ा बॉर्डर एक इसके ऊपर एक और बॉर्डर रहता है छोटा सा, ऐसा मतलब ऐसे ही कुछ। हाँ तो सर ये तो साथ साथ में ऐसे फ्लिप करा के रोटेट करा लेंगे कॉर्नर वगैरह सेट करके, लेकिन जब पल्लू में फिल करना होगा, जैसे आपने यहाँ से सिलेक्शन लेके इसको फिल किया ना पल्लू में, सर उसको कैसे करेंगे फिर इसी तरीके से उसके साथ साथ करना रहा तो? हाँ, इसी तरीके से आप कर सकते हो ना। मान लीजिए ये छोटी बॉर्डर है, इसको हमको कहीं कहीं पे रखना है, ठीक है,
पल्लू के अंदर, तो मैं इसको सिलेक्शन ले रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर कोई दूसरी बॉर्डर हो किसी और फाइल में तो उसको भी आपको कॉपी करना है। तो ये मैंने सिलेक्शन ले लिया, ये ले लिया सिलेक्शन, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद में मैंने जो बीच का पैच था उसको सिलेक्ट किया है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी करेंगे हम तो अपने आप से आ जाएगी बॉर्डर, है ना। फिर इसको आप सिलेक्शन लेके, ये मान लो दूसरी बॉर्डर यहाँ रखनी है हमको, इधर रखनी है ना। इस तरह से आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो, ऐसे ठीक है ऐसे सर। रख सकते हो। अगर आपको इसको भी कॉर्नर में घुमाना है तो ये पहली जो बॉर्डर बनी है इसके साथ साथ आपको उसको बनाना पड़ेगा। और जब हम इसको रोटेट करते हैं ना, उसी वक्त आपको इसको भी मतलब ऐसे कॉर्नर में रोटेट करना पड़ेगा। तो ये कॉर्नर में ये भी आ जाएगी। मान लीजिए ऐसी बॉर्डर है, ये तीन बॉर्डर है मान लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, और हमको अभी इसको कॉर्नर बनाना है। तो हमने क्या किया, सारी की सारी बॉर्डर है ना वो ऐसे सिलेक्ट कर ली, और सारी की सारी बॉर्डरों को हमने ऐसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कॉपी निकाल लिए। एक एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है इसको 90 डिग्री, और वर्टिकल कर देना है। यहाँ पे हमको इसको इस तरह से उठा के रख देना है। तो ये तीन चार पांच बॉर्डर, कितनी भी बॉर्डर रहे इसके ऊपर नीचे, सारी की सारी इस तरह से कॉर्नर में बन जाएगी, ठीक है। कॉर्नर में रखना है तो ऐसा करना है आपको। और अगर बीच में रखना है तो मैंने कॉपी और बीच में जो पेस्ट किया उस तरह का उस तरह से आप मतलब उसको बॉर्डर को दूसरी बॉर्डर के बाजू में बीच में कहीं पे भी सेट कर सकते हो।